हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल आप सभी के, और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ। तो मुकाबला शुरू हो चुका है, पहली बॉल वाइड देखने को मिली थी, उसके बाद चौका देखने को मिला है। और दूसरी बॉल पर विकेट देखने को मिला है दोस्तों, तो यहाँ पे चौका भी लगा और विकेट भी मिला। तो शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन वहीं पे विकेट भी मिल गया है और चौका भी लग गया है। तो यहाँ पे बोल्ड कर दिया है पहले ही ओवर में, और पहली बॉल पर बोल्ड कर दिया है एक चौका खाने के बाद, दूसरी बॉल पर बोल्ड 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 मार दिया है दोस्तों। तो पहला विकेट यहाँ पे गिरता हुआ, जे गूगली आए हैं नए बैट्समैन के रूप में, और देखते हैं किस तरह से खेलते हुए नज़र आते हैं जे गूगली। बढ़िया शुरुआत यहाँ पे, बेहतरीन शुरुआत। रियाद अमृत पहले बॉलिंग लेकर के आए हैं और पहले ही में विकेट निकाल लिया है। चलिए गुली आए नए बैट्समैन के रूप में, और देखते हैं किस तरह से खेलते हैं ओवर की तीसरी बॉल। और बढ़िया यहाँ पे तीसरी बॉल फिर से जाएगी चौके के लिए, कोई भी फील्डर मौजूद नहीं है, तो चौके के साथ यहाँ पे फिर से शुरुआत। तो एक और चौका लगता हुआ, तो इसी चौके की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन एक विकेट के नुकसान पर पहले ओवर की 3 बॉल पर। चलिए अमृत फिर से लेकर के आएंगे अपने ओवर की चौथी बॉल, फिलहाल 9 रन हो चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर। ब्लू डिवाइल्स ने पहले टॉस जीत करके पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। स्टीवन पहले बैटिंग करती हुई नज़र आ रही है, बढ़िया यहाँ पे शुरुआत। चले ओवर की चौथी बॉल देख लेते हैं, चौथी बॉल लेकर के आ रहे हैं अमृत। चलिए देखते हैं यहाँ पे फिर से चौके की साथ ही शुरुआत होगी या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। चलिए फिलहाल बढ़िया शॉट यहाँ पे सिंगल के लिए निकाल दिया है, और सिंगल के साथ यहाँ पे 10 रन पूरे होते हुए पहले ओवर की 4 बॉल पर 10। रियाड अमृत जो कि कैप्टन है इस टीम के, और चले इस बार भी सो बड़ा शॉट है और जाएगी इस बार सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। बड़ा शॉट, बेहतरीन शॉट, और फिलहाल 6 रन के साथ यहाँ पे बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन। अभी भी एक बॉल बाकी है इस ओवर की। साइडल डियाज पहली पहली बॉल खेलने के लिए आए थे, और पहली बॉल पर उन्होंने 6 रन से शुरू स्टार्ट किया है और 6 रन पहली बॉल पर लगाए। चले बाकी आगे का देख लेते हैं, आगे का ओवर की लास्ट बॉल, और तो लास्ट बॉल पर हल्के हाथों से खेला है, सामने फील्डर मौजूद है, लेकिन 1 रन जरूर चुराएंगे। 1 रन के साथ यहाँ पर ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन एक विकेट का नुकसान पर।
चलिए बाकी दूसरा ओवर देख लेते हैं, दूसरा ओवर कौन लेकर के आते हैं। बढ़िया ओवर, ये पहला ओवर यहाँ पे समाप्त होता हुआ। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे दूसरे ओवर की शुरुआत हो चुकी है और दूसरे ओवर की पहली बॉल पर सिंगल रन आता हुआ। और सिंगल के साथ यहाँ पे बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन। शायद वाइट और प्लस सिंगल रन आया है तो उसकी वजह से यहाँ पे बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन। एक ओवर एक बॉल, शायद एक ही ओवर हुआ है क्योंकि ये वाइट है तो दोबारा से फेंकनी होगी। बाकी आके देख लेते हैं, ओवर की पहली बॉल फिर से फेंकने के लिए तैयार हैं गैब्रियल, देखते हैं किस तरह से फेंकते हैं। पहली बॉल वाइट फेंक चुके हैं और यहाँ पे बढ़िया बॉल, इस बार डॉट निकालने में कामयाब हुए हैं। चलिए बाकी यहाँ पे देख लेते हैं, ब्लू डिवाइल्स ने पहले टॉस जीत करके पहले बल्ले फील्डिंग चुनी है। तो बाकी आगे देख लेते हैं आगे की। चलिए तो ओवर की दूसरी बॉल फिर से तैयार है। सानून ओवर की दूसरी बॉल, चले ओवर की दूसरी बॉल फिर से तैयार हैं फेंकने के लिए। और देखना होगा दूसरी बॉल पर क्या बड़ा शॉट लगाएंगे। गोली सामने है और यहाँ पे बढ़िया शॉट, पीछे फील्डर मौजूद है, सिंगल रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। और चले दोस्तों, सिंगल लेने से रोक लिया है, सिंगल नहीं ले पाए हैं, कोशिश कर रहे थे लेने के लिए, ले नहीं पाए। और यहाँ पे डॉट के साथ एक और डिलीवरी आगे आगे बढ़ती हुई। चले तो फिलहाल ओवर की तीसरी बॉल, और तीसरी बॉल फिर से हल्के हाथों से खेला है और यहाँ पे सिंगल लेने में कामयाब हुए हैं। तीसरी बॉल पर सिंगल रन आता हुआ, तो इस ओवर से अभी तक 3 रन आए हैं और 3 डिलीवरी हो चुकी हैं, मात्र 3 बॉल और बची हैं। चले दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पे ओवर की 3 बॉल और बची हैं।
चलिए सानून फिर से तैयार हैं अपने ओवर की चौथी बॉल लेकर के आएंगे। सलिंडाइजा सामने रहेंगे, दो बॉल में 7 रन बना करके खेल रहे हैं, एक 6 रन भी लगाए हैं, कामयाब होते एक छक्का भी लगाया था। चलिए इस बार सिंगल रन आता हुआ और सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन एक विकेट के नुकसान पर। फिलहाल एक ओवर 4 बॉल पर, तो 2 बॉल और बची हैं इस ओवर की, 2 बॉल और देखने को मिलने वाली हैं। चले तो ओवर की 5वीं बॉल, चले इस बार एक और बढ़िया बॉल, एक और डॉट बॉल निकलती हुई, तो इस ओवर में कुछ खास रन नहीं आ पाए हैं। एक लेग वाई का आया था, एक सिंगल आया था और 2 वाइड के रन आए थे, और तो अभी तक 4 रन आए हैं इस ओवर से, 5 बॉल हो चुकी हैं, तो मात्र 1 बॉल बची है इस ओवर की, दूसरे ओवर की लास्ट बॉल। सानून फेंकने के लिए तैयार हैं अपने ओवर की लास्ट बॉल, सामने रहेंगे डियाश, गुली लाएंगे गुली, और यहाँ पर बढ़िया शॉट है, कोई फील्डर पीछे मौजूद है और एक ही रन मिलेगा। फिलहाल 1 रन के साथ यहाँ पे ओवर की समाप्ति, तो 22 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। डियाज 3 बॉल में 8 रन बना करके खेल रहे हैं, वहीं गूगली 7 बॉल में 7 रन बना करके खेल रहे हैं। मार्कोल सिर्फ चौका लगा करके आउट हो गए थे। चलिए तो फिलहाल 2 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन एक विकेट के नुकसान पर देखने को मिल रहा है। आगे देखने वाली बात रहेगी, आगे का मुकाबला T10 मुकाबला है, 10 ओवर का मुकाबला है, और देखने वाली बात रहेगी 10 ओवर में कितने रन्स बना पाते हैं। यहाँ पर शुरुआत बढ़िया है, 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनते हुए नज़र आ रहे हैं, करंट रन रेट 11 की है, तो 110 रन हो सकते हैं अगर इसी तरह से ये मैच चलता रहा तो बाकी आगे देखने वाली बात रहेगी, आगे का मुकाबला किस तरह से होने वाला है। तो फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं ओवर तीसरा कौन लेकर के आए हैं और तीसरा ओवर किस तरह से देखने को मिलने वाला है। तो तीसरा ओवर देख लेते हैं, तीसरे ओवर का शुरुआत किसके द्वारा होती है, कौन लेकर के आएंगे तीसरा ओवर। चलिए सोलोमन लेकर के आए हैं अपना तीसरा ओवर, पहला ओवर लेकर के आए हैं सोलोमोन, एस सोलोमोन पहला ओवर लेकर के आए हैं, देखते हैं किस तरह से खेलते हैं, फेंकते हैं ये पहला ओवर, और यहाँ पे बढ़िया बॉल और बढ़िया शुरुआत, डॉट के साथ शुरुआत की है। तो फिलहाल यहाँ पे 2 ओवर 1 बॉल पर 22 रन एक विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर देखने को मिल रहा है। स्टील पेन, स्टील वैन स्ट्राइकर का स्कोर, यहाँ पे बढ़िया स्कोर चलता हुआ और यहाँ पे बढ़िया शॉट है, पीछे फील्डर मौजूद है, एक फील्डर से निकलती हुई दूसरे फील्डर के पास, चलिए तब तक 1 रन लेने में कामयाब हुए हैं, 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन एक विकेट के नुकसान पर। तो की दो पर सोलोमन अपने ओवर की तीसरी बॉल लेकर के आएंगे।
चलिए देख लेते हैं दोस्तों तीसरी। और यहाँ पे बढ़िया शॉट लगाने में कामयाब हुए हैं और मिलेगा चौका। फील्डर के सर के ऊपर, विकेट कीपर के सर के ऊपर से निकलता हुआ ये शॉट 4 रन के लिए, और चौके की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर। डियाज फिर से तैयार हैं ओवर की चौथी बॉल खेलने के लिए। सोलोमन अपने ओवर की चौथी बॉल लेकर के आ रहे हैं। चलिए यहाँ पे बढ़िया बॉल है और यहाँ पे एक और डॉट बॉल निकालने में कामयाब हुए हैं। तो 2 डॉट बॉलें निकल चुकी हैं और एक पर चौका एक पर सिंगल, तो 4 बॉल हो चुकी हैं अभी तक। 2 ओवर 4 बॉल पर 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर फिलहाल स्टीवन स्ट्राइकर का स्कोर। चलिए बाकी आगे देख लेते हैं। 2 बॉल बची हैं, 2 बॉल किस तरह से होने वाली हैं। और यहाँ पे बढ़िया शॉट, पीछे फील्डर मौजूद है, 1 ही रन मिल पाएगा। और 1 रन के साथ यहाँ पे बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2 की 5 पर। चलिए दोस्तों यहाँ पर दूसरा विकेट मिलता हुआ। ब्लू डेविल्स को यहाँ पर दूसरा विकेट मिलता हुआ और फिलहाल स्टीलपन स्ट्राइकर का दूसरा विकेट गिरता हुआ 28 पर 2 विकेट। बिल्कुल बढ़िया कैच यहाँ पे। और तो इसी के साथ ओवर की समाप्ति, तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर फिलहाल स्टील फैन स्ट्राइकर्स का स्कोर। चलिए डी रामदीन आए हैं अब नए बैट्समैन के रूप में। डी रामदीन किस तरह से खेलते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। बढ़िया यहाँ पे सोलोमन के द्वारा ये अपना ओवर निकाला है, 6 रन दिए थे 1 विकेट निकाल लिया है। बढ़िया सफल ओवर यहाँ पे समाप्त हुआ है। चलिए बाकी आगे का देख लेते हैं, आगे का मुकाबला किस तरह से होने वाला है। 3 ओवर की समाप्ति पर 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर फिलहाल टीम का स्कोर देखने को मिलने वाला है, मिला है। बाकी आगे देखने वाली बात रहेगी आगे का मुकाबला किस तरह से होने वाला है, किस तरह से आगे का मुकाबला देखने को मिलने वाला है दोस्तों। फिलहाल यहाँ पे बढ़िया शुरुआत और किस तरह से अब गेम आगे देखने को मिलने वाला है।
चलिए दोस्तों, तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर स्टील पेन स्ट्राइकर का स्कोर देखने को मिल रहा है। और फिलहाल यहाँ पर बढ़िया शुरुआत मैच की, पहला T20 मुकाबला है, T10 मुकाबला है ये, T10 ब्लास्ट का ये पहला मुकाबला आपके सामने चलता हुआ। SPK वर्सेस BLD के बीच ये मुकाबला। BLD ने पहले टॉस जीत करके पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है, पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया है, तो SPK यहाँ पे बैटिंग करती हुई नज़र आ रही है। शुरुआत अच्छी थी लेकिन यहाँ पे विकेट 3 गिरा चुकी है, 3 विकेट गिर चुके हैं, तो ये बड़ी समस्या वाली बात है। नहीं बढ़िया स्कोर चल रहा था, बाकी यहाँ पे देख लेते हैं। रूफिन आए अपना ओवर लेकर के और यहाँ पे बढ़िया शुरुआत की है, पहला ओवर लेकर के आए हैं और फिलहाल पहली बॉल डॉट और दूसरी बॉल पर सिंगल रन आता हुआ और फिलहाल टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन 3 विकेट के नुकसान पर और फिलहाल 4-2 पर। चलिए बाकी आगे देख लेते हैं। ब्लू डिवाइस का बढ़िया यहाँ पे प्रदर्शन, 3 विकेट गिरा चुकी है अभी तक, बाकी आगे देख लेते हैं। रूप नारायण किस तरह से खेलता है और बढ़िया शॉट है यहाँ पे किसी भी फील्डर के पास, चले फील्डर सामने मौजूद है, 1 रन लेने में कामयाब हुए हैं, 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर और 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल रामदीन 1 रन बना करके खेल रहे हैं और रजा 4 बॉल में 4 रन बना कर खेल रहे हैं। बढ़िया शुरुआत है यहाँ पर, बढ़िया प्रदर्शन, बाकी आगे देखने वाली बात रहेगी आगे का मुकाबला किस तरह से देखने को मिलने वाला है। फिलहाल 38 पर 3 विकेट हो चुके हैं। चले ओवर की चौथी बॉल और इस चौथी बॉल पर भी बढ़िया शॉट यहाँ पर, सामने फील्डर मौजूद रहेंगे, सिर्फ 1 ही रन मिलेगा और 1 रन के साथ यहाँ पर एक और रन बढ़ता हुआ टीम का स्कोर 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 5वें ओवर चल रहा है यहाँ पे और 5वें ओवर की 2 बॉल बची हैं। चलिए दोस्तों, 9 बॉल होगी हो चुकी है यहाँ पे, तो ये चौथी बॉल दोबारा से फेंकनी होगी। 9 बॉल के चलते यहाँ पे स्कोर 41 रन हो चुका है 3 विकेट के नुकसान पर फिलहाल, तो ये चौथी बॉल फिर से अब फेंकनी होगी और यहाँ पे फिर से वाइट बॉल 9 बॉल फिर वाइट बॉल, तो ये फिर से चौथी बॉल दोबारा से फेंकनी होगी। चले तो ओवर की चौथी बॉल और इस बार उठा दिया है, काफ़ी ऊंची है, देखना होगा बाउंड्री से बाहर जाती है या नहीं, लेकिन बाउंड्री से पहले टप्पा खाई और वहीं पर रोकने में कामयाब हुए थे, लेकिन 2 रन जरूर मिलेंगे, 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन 3 विकेट के नुकसान पर फिलहाल 4-4 पर। बढ़िया शुरुआत, बढ़िया मुकाबला चलता हुआ ये, बाकी आगे देखने वाली बात रहेगी आगे का मुकाबला। चलिए दोस्तों, तो लास्ट बॉल बची है इस ओवर की, 5वें ओवर की लास्ट बॉल लेकर के आएंगे रूप नारायण। रूप नारायण बढ़िया यहाँ पे बॉलिंग करते हुए, तो 9 रन दे चुके हैं अभी तक ओवर की लास्ट बॉल और यहाँ पे बढ़िया बॉलिंग इस बार, तो इसी सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। तो दोस्तों, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 46 रन 3 विकेट के नुकसान पर फिलहाल टीम का स्कोर। पहला T20 मुकाबला, बढ़िया मुकाबला चलता हुआ आपके सामने, तो फिलहाल 5 ओवर की समाप्ति के बाद 46 रन बना ली है 3 विकेट का होकर, बाकी आगे देखने वाली बात रही आगे का मुकाबला किस तरह से होने वाला है।
चलिए दोस्तों बाकी आगे देख लेते हैं आगे का मुकाबला। 5 ओवर का मुकाबला बचा है, 5 ओवर हो चुके हैं और इस बार बढ़िया शॉट उठाने में कामयाब हुए हैं। पीछे फील्डर मौजूद रहेगा और एक ही रन मिलेगा, तो फिलहाल 47 रन 3 विकेट के नुकसान पर 5-2 पर। सी चरण आए हैं अपना ओवर लेकर के, दूसरा ओवर लेकर के आए हैं, 1 विकेट निकाल चुके हैं राकेश सी चरण। ओवर की तीसरी बॉल लेकर के आएंगे, तीसरी बॉल पर बड़ा शॉट सिंगल रन, सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 49 रन। चलिए एक और यहाँ पे बढ़िया शॉट, यहाँ पे आसानी से रोक सकते थे, नहीं रोक पाए, लेकिन यहाँ पे चौका जरूर मिलेगा। हाँ दोस्तों चौके के साथ 50 रन से ऊपर होते हुए स्टीवन स्ट्राइकर के, तो 52 रन 3 विकेट के नुकसान पर फिलहाल 5-4 पर। बढ़िया ओवर ये, 6 रन आ चुके हैं अभी तक। चलिए बाकी आगे देखने वाली बात रहेगी, अभी हुई ओवर की लास्ट बॉल बाकी है, लास्ट बॉल देखने वाली बात रहेगी किस तरह से चलती है। फिलहाल यहाँ पे 5वीं बॉल जरूर डॉट निकली है। चलिए ओवर की लास्ट बॉल आगे बढ़ करके मारा है, काफ़ी बड़ा शॉट है, पीछे फील्डर मौजूद है लेकिन रोकने में कामयाब नहीं होगा, तो एक और चौका मिलता हुआ, तो इसी चौके के साथ ओवर की समाप्ति। तो दोस्तों 6 ओवर की समाप्ति के बाद 56 रन 3 विकेट के नुकसान पर फिलहाल SPK का स्कोर। चलिए अभी तो 4 बॉल का गेम, 4 ओवर का गेम और बचा है, 4 ओवर और देखने को मिलने वाले हैं और 4 ओवर किस तरह से देखने को मिलते हैं और 4 ओवर में कितने रन्स और आने वाले हैं वो देखने वाली बात रहेगी। काफ़ी बड़ा मुकाबला ये चलता हुआ, 4 ओवर का गेम और बचा है, 4 ओवर में कितने रन्स और आने वाले हैं ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल यहाँ पर बढ़िया मुकाबला, चलिए रूप नारायण फिर से आए हैं, फिर से अपना दूसरा ओवर लेकर के आएंगे और आगे बढ़ करके मार दिया है सीधे स्टेट ड्राइव। एक और मिस फील्डिंग और एक और चौका, पिछले ओवर में भी मिस फील्डिंग दिखी थी और इस ओवर में भी मिस फील्ड देखने को मिली है। तो 18 बॉल में 32 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है दोनों के बीच में। लाल टीम का स्कोर 60 रन 3 विकेट के नुकसान पर 6-1। चलिए बाकी यहाँ पे और देख लेते हैं, बढ़िया यहाँ पे अब प्रदर्शन, बैटिंग प्रदर्शन बढ़िया चलता हुआ। चलिए फिलहाल दूसरी बॉल डॉट निकलती, बढ़िया बॉलिंग दूसरी बॉल, बढ़िया बाल बाल बचे यहाँ पे बोल्ड होने से। चलिए बाकी आगे देख लेते हैं आगे का मुकाबला किस तरह से होने वाला है। फिलहाल 3 बॉल हो चुकी हैं, पहली बॉल पर मिस फील्ड के चलते एक चौका जरूर आया था लेकिन उसके बाद 2 डॉट बॉलें देखने को मिली हैं। चलिए एक और यहां पे बढ़िया बॉल, एक और सिंगल रन आता हुआ और सिंगल के साथ यहां पे बढ़ता हुआ स्कोर 61 रन 3 विकेट के नुकसान पर फिलहाल 6-4 पर। बाकी आगे देख लेते हैं, 2 बॉल और बची हैं 7वें ओवर की, तो वो देखने वाली बात रहेगी किस तरह से ये 2 बॉलें होने वाली हैं। फिलहाल 4 बॉल में 5 रन आए हैं,
चले तो यहां पे विकेट, तो कैच आउट के रूप में यहां पे एक और विकेट मिलता हुआ, तो चौथा विकेट गिरता हुआ और चौथे विकेट का यहां पे पतन होता हुआ। दोनों की पार्टनरशिप अच्छी हो रही थी, लेकिन यहां पे फिलहाल बढ़िया बॉलिंग का प्रदर्शन और यहां पे एक और विकेट गिरता हुआ। तो 61 पर 4 विकेट हो चुके हैं 6 की 5 पर। चलिए बाकी आगे का मुकाबला देखने वाली बात रहेगी यहाँ पे, अब किस तरह से होने वाला है, क्या यहाँ 100 के आसपास स्कोर जाने वाला है या नहीं, वो देखने वाली बात रहेगी। 100 रन अगर इसी तरह से चलता रहा गेम तो 100 रन तो ज़रूर देखने को मिल जाएंगे, नहीं लेकिन फिलहाल यहाँ पे देखने वाली बात रहेगी। चलिए तो नए बैट्समैन आई खान आया, कोई तो रामदीन अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं। 11 बॉल खेलने के बाद 12 रन बनाए हैं, एक चौका जरूर निकालने में काम है अब हैं। फिलहाल रूप नारायण अपना बढ़िया यहां पर स्केल चलाते हुए नजर आ रहे हैं। 1 ओवर 5 बॉल में मात्र 14 रन दिए हैं, एक विकेट निकाला है। चले फिलहाल ओवर की लास्ट बॉल और बची है, रुक नारायण अपने ओवर की लास्ट बॉल लेकर के आएंगे और लास्ट बॉल का सामना करेंगे खान। चले ओवर की लास्ट बॉल, चलिए इस बार बाल बाल बचे, काफी बढ़िया बॉलिंग। और फिलहाल 7 ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ पे स्कोर देखने को मिल रहा है 60 रन 4 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल इमरान खान आए हैं जो कि टीम के कैप्टन भी हैं, तो वो किस तरह से खेलते हुए नज़र आएंगे वो देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल यहाँ पे स्कोर 80 के आसपास या 90 के आसपास देखने को मिलने वाला है। फिलहाल यहाँ पे 3 ओवर का गेम और बचा है, 3 ओवर और होने वाले हैं। 3 ओवर में देखना है कितने रन्स और बनाएंगे, कितने रन्स और आने वाले हैं। चलिए बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ और 3 ओवर का गेम बचा है, 3 ओवर और होने वाले हैं। 3 ओवर का गेम्स और देखने को मिलने वाला है, 3 ओवर में देखते हैं कितने रन्स और आने वाले हैं। चले दोस्तों चलिए, एस ग्वालियर आ रहे हैं जो कि अपना पहला ओवर लाए थे तो 4 रन दिए थे, अब दूसरा ओवर लेकर के आ रहे हैं। दूसरे ओवर की पहली बॉल यहां पे करने के लिए तैयार हैं और यहां पे बढ़िया शॉट इस बार आगे बढ़ करके निकाला है और जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। चौके से शुरुआत हुई है 8वें ओवर की और इसी चौके की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 65 रन 4 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल रामदीन के बल्ले से ये दूसरा चौका निकलता हुआ, तो रामदीन पहुंच चुके हैं 12 बॉल में 16 रन पर और इमरान खान अभी भी क्रीज पर आए हैं, एक बॉल खेली है खाता नहीं खोल पाए। गवेरियल फिर से तैयार हैं अपने ओवर की दूसरी बॉल लेकर के आएंगे, दूसरी बॉल का सामना फिर से रामदीन करेंगे।
चलिए दोस्तों यहाँ पे चले दूसरी बॉल, यहाँ पे वाइट निकलती हुई तो एक और एक्स्ट्रा रन आता हुआ। चलिए बाकी आगे देख लेते हैं, यहाँ पे दूसरी बॉल फिर से लेकर के आएंगे, दूसरी बॉल फिर से फेंकेंगे। फिलहाल पे एक बॉल में चौका, दूसरी वाइट, तो 5 रन आ चुके हैं इस ओवर से। तो चलिए फिर से फेंकने के लिए तैयार हैं ओवर की दूसरी बॉल। फिलहाल टीम का स्कोर 66 रन 4 विकेट के नुकसान पर। चलिए इस बार बढ़िया शॉट है, किसी के पास मौका नहीं है, सीधे जाएगी सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। तो इस बार बेहतरीन शॉट 6 रन के लिए, और इसी 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 72 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तो ये काफ़ी महंगा ओवर साबित होता हुआ। 11 रन आ चुके हैं अभी तक, 2 बॉल हुई हैं, 4 बॉल और बाकी हैं। 4 बॉल में देखने वाली बात रही कि कितने रन और आने वाले हैं, कितने रन और बनेंगे इस ओवर से, तो देखने वाली बात रहेगी। मुझे लग रहा है अब तो 100 से ऊपर स्कोर जाने वाला है। दिनेश राम दिन पहुंच चुके हैं, फिलहाल 22 रन पर 13 बॉल का सामना किया है मात्र। बेहतरीन शुरुआत रामदीन के द्वारा। चलिए दोस्तों, तो चलिए दोस्तों फिलहाल यहाँ पे तीसरी बॉल डॉट निकलती ही, तो तीसरी बॉल पर डॉट देखने को मिला है। फिलहाल आगे 3 बॉल और बची हैं इस ओवर की, 3 बॉल और देखने को मिलने वाली है, बाकी 3 बॉलें देख लेते हैं किस तरह से होने वाली हैं। फिलहाल यहाँ पर टीम का स्कोर 72 रन 4 विकेट के नुकसान पर, फिलहाल 7-3 पर। ओवर की चौथी बॉल लेकर के आएंगे, चौथी बॉल का सामना फिर से रामदीन करेंगे, और यहाँ पे बढ़िया शॉट सिंगल के लिए खेल दिया है, और सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 73 रन 4 विकेट के नुकसान पर 7-4 पर। मात्र 2 बॉल बची हैं इस ओवर की, तो इसके बाद 2 ओवर और देखने को मिलने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर 14 बॉल का गेम बचा है, 14 बॉल में कितने रन आने वाले हैं, क्या 14 बॉल्स में 27 रन देखने को मिलने वाले हैं। अगर 27 रन यहाँ पे आ जाते हैं तो 100 रन हो सकते हैं, बाकी यहाँ पे देखने वाली बात रहेगी। 14 रन बचे हैं, 14 ओवर रन बॉल में कितने रन्स आने वाले हैं, कितने रन्स होने वाले हैं, वो देखने वाली बात रहेगी फिलहाल। तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन को दबा लें जिससे आने वाले हर मैच की नोटिफिकेशन। और एक और यहाँ पे बढ़िया शॉट है, यहाँ पे बढ़िया फील्डिंग, सिर्फ सिंगल रन मिलेगा, और सिंगल के साथ यहाँ पे बढ़ता हुआ स्कोर 74 रन 4 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल 7-5 ओवर, तो इमरान खान भी अपना खाता खोलते हुए नज़र आ रहे हैं, सिंगल रन के साथ अपना खाता खोलते हुए। और फिलहाल फिर से लास्ट बॉल का सामना करेंगे रामदीन, 15 बॉल में 23 रन बना करके खेल रहे हैं, 2 चौके और 1 छक्का देखने को मिला है, 153 का स्ट्राइक रेट है फिलहाल। तो गवर्नियर फिर से अपने ओवर की लास्ट बॉल फेंकने के लिए तैयार हैं, लास्ट बॉल लेकर के आएंगे। चले यहाँ पे फुल टॉस, और पीछे फील्डर मौजूद है, और बाकी यहाँ पे 9 बॉल हो चुकी है वरना कैच हो जाते, तो ये फ्री हिट भी रहेगी, 9 बॉल भी है फ्री हिट भी रहेगी, और एक दौड़ के भी रन ले लिया है, तो 2 रन और आते हुए।
तो 2 रन की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 76 रन 4 विकेट के नुकसान पर 7/5 पर। तो ये ओवर की लास्ट बॉल फिर से फेंकनी होगी, अगर यहाँ पर नो नहीं होती तो बिल्कुल कैच ले लिया था। चलिए बाकी आगे देख लेते हैं, लास्ट बॉल फिर से फेंकेंगे और लास्ट बॉल फिर से देखने को मिलने वाली है। फिलहाल यहाँ पर टीम का स्कोर 76 रन 4 विकेट के नुकसान पर 7/5 पर। लास्ट बॉल ओवर की नो के चलते दोबारा फेंकनी होगी। तो इमरान खान सामने सामने हैं, सामना कर रहे हैं इमरान, और फिलहाल यहाँ पे फ्री हिट का किस तरह से फ़ायदा उठाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे फ्री हिट डॉट निकलती है। तो इसी डॉट के साथ ओवर की समाप्ति। तो दोस्तों 8 ओवर की समाप्ति के बाद 76 रन 4 विकेट के नुकसान पर फिलहाल रामदीन खेल रहे हैं 16 बॉल पर 24 रन बना करके, और वहीं पे इमरान खान मात्र 1 रन बना करके खेल रहे हैं, 3 बॉल का सामना किया है। चलिए बाकी हमें 2 ओवर और बचे हैं, 2 ओवर का गेम और देखने को मिलने वाला है, और 2 ओवर में कितने रन आने वाले हैं वो देखने वाली बात रहेगी। तो इस ओवर से 15 रन देखने को मिले हैं, 15 रन आए थे इस ओवर से। चले यहाँ पे 9वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है, डॉट के साथ शुरुआत हुई है, और फिलहाल यहाँ पे डॉट बॉल निकलती है। चलो मनाए हैं अपना दूसरा ओवर लेकर के, पहला ओवर में उन्होंने 6 रन दिए थे, 1 विकेट निकाला था। और यहाँ पे अब देखते हैं, और यहाँ पे बढ़िया शॉट है, पीछे फील्डर मौजूद है लेकिन रोक नहीं पाएंगे और जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। तो एक और इस बार रामदीन के बल्ले से चौका निकलता हुआ, और चौके की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 80 रन। तो 80 रन हो चुके हैं दोस्तों, और फिलहाल रामदीन 18 में 28 रन बना करके खेल रहे हैं, 3 चौके और 1 छक्का देखने को मिला है उनके बल्ले से, बढ़िया बॉल बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। चले यहाँ पे अपील है, बड़ी अपील है, क्या विकेट के सामने पाए गए हैं, लेकिन एम्पायर का इशारा नॉट आउट। तो लेग बाई का 1 रन और आता हुआ, और इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 81 रन 4 विकेट के नुकसान पर फिलहाल 8/3 पर। तो अभी भी 9 बॉल का गेम बचा है, 9 बॉल और देखने को मिलने वाली है, 9 बॉलें किस तरह से होने वाली हैं वो देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल यहाँ पे 9 बॉल किस तरह से होने वाली है। चले एक और बढ़िया शॉट है, नीचे फील्डर रहेगा तो कैच हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल यहाँ पे फील्डर मौजूद थे नीचे, और यहाँ पे कैच आउट, इमरान खान अपना विकेट गवाते हुए, सोलोमन को यहाँ पे विकेट मिलता हुआ दोस्तों, सोलोमन को दूसरा विकेट मिलता हुआ, और फिलहाल टीम का स्कोर यहाँ पे बढ़ता हुआ 81 रन 5 विकेट के नुकसान पर। तो इमरान खान की देखो कौन लेने की जगह कौन आने वाले हैं वो देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल यहाँ पे 5वां झटका लगता हुआ, 5वां विकेट गिरता हुआ। चलिए दोस्तों, तो नए बैट्समैन आ चुके हैं क्रीज पर, तो और कौन आए हैं वो देखने वाली बात रहेगी, देखते हैं कौन लोरेंट आए हैं, और लोरेंट देखते हैं किस तरह से खेलते हैं। ए लोरेंट, रामदीन
चौथे नंबर पर बैटिंग करने आए थे और अभी तक अब बैटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। टूरेंट इन ने बढ़िया यहाँ पे शॉट लगाया है, पीछे फील्डर मौजूद हैं, एक ही रन मिलेगा और एक रन के साथ यहाँ पे बढ़ता हुआ स्कोर 82 रन 5 विकेट के नुकसान पर फिलहाल 8-5 पर। तो रामदीन लास्ट बॉल का सामना करेंगे इस ओवर की लास्ट बॉल। सोलोमन 2 विकेट निकाल चुके हैं, मात्र 11 रन दिए हैं 1 ओवर 5 बॉल में। एक बॉल और बची है और वो देखने वाली बात रहेगी एक बॉल में कितने रन आते हैं या विकेट निकालने में कामयाब होंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल बढ़िया यहाँ पर शुरुआत। चले एक और रामदीन के बढ़िया शॉट निकलता हुआ और सिंगल के साथ यहाँ पर ओवर की समाप्ति। तो 9 ओवर की समाप्ति के बाद 83 रन 5 विकेट के नुकसान पर। चलिए बाकी यहाँ पे लास्ट ओवर बची है और लास्ट ओवर और देखने को मिलने वाला है। लास्ट ओवर में कितने रन आने वाले हैं वो देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल लास्ट ओवर में अगर 17 रन आते हैं तो 100 के पास पहुंच पाएगा, तो 100 रन बना पाएगी स्टीवन स्ट्राइकर। तो बाकी आगे देखने वाली बात रहेगी लास्ट ओवर किस तरह से होने वाला है। सोलोमन का एक यहाँ पर सफल ओवर समाप्त होता हुआ, तो उन्होंने 2 ओवर में मात्र 12 रन दिए हैं 2 विकेट निकाले हैं। चलिए तो नेक्स्ट बॉलर कौन आने वाले हैं, लास्ट ओवर कौन लेकर के आने वाले हैं। चलिए पहली ओवर की शुरुआत अच्छी हुई है और यहाँ पे मिस फील्ड के चलते हो सकता है चौका भी हो सकता है, लेकिन अभी रीप्ले में पता चलेगा चौका है या नहीं है। फिलहाल 2 रन पूरे कर चुके हैं, बाकी यहाँ पे देखने वाली बात रहेगी क्या यहाँ पे चौका लगाया है या नहीं, दोबारा से चेक किया जाएगा, काफ़ी मुश्किल। चले तो 2 रन बचाने में ज़रूर कामयाब हुए अपने टीम के लिए, 2 रन बचाते हुए अच्छी फील्डिंग। और फिलहाल यहाँ पे 3री बॉल पर सिंगल आता हुआ, सिंगल के साथ बढ़ता हुआ इसको 86 रन 5 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों तो 4 बॉल और बची हैं, 4 बॉल और देखने को मिलने वाली है। 4 बॉल में देखते हैं कितने रन और आने वाले हैं, तो देखते हैं 4 बॉल किस तरह से खेलते हैं। फिलहाल लोरेंट देख रहे हैं सिंगल बॉल पर सिंगल रन बना करके खेल रहे हैं और यहाँ पे बढ़िया शॉट, पीछे फील्डर मौजूद है, तो एक ही रन मिलेगा और एक रन के साथ बढ़ता हुआ इसको 86 रन 5 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल 87 रन 5 विकेट के नुकसान पर फिलहाल 9-3 पर। तो 3 बॉल का सामना रामदीन करेंगे और 3 बॉल में देखते हैं कि यार रन्स बना पाते हैं, कितने रन्स और आने वाले हैं। 3 बॉल का गेम और बचा है फर्स्ट इनिंग समाप्त होने में, तो वो देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल यहाँ पे 9.16 का करंट रन रेट चलता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पे बढ़िया बॉल बढ़िया। चले कोई भी फील्डर मौजूद नहीं है, सीधा स्ट्रेट ड्राइव बॉलर से निकलती हुई सीधे जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे 91 रन हो चुके हैं 5 ओवर 5 विकेट के नुकसान पर 9-4 पर। मात्र 2 बॉल का गेम बचा है, अभी तक 8 रन आ चुके हैं इस ओवर से, 2 बॉल और बची हैं, 2 बॉल में देखते हैं कितने रन और आने वाले हैं। तो फिलहाल 2 बॉल का गेम बचा है, लास्ट के 2 बॉल्स और देखने को मिलने वाली हैं, वो देखने वाली बात रहेगी दोस्तों। चले तो एक और यहाँ पे डॉट बॉल निकलती और डॉट के साथ यहाँ पे गेम आगे बढ़ता हुआ। लास्ट बॉल बची है इस ओवर की, लास्ट बॉल में देखते हैं कितने रन्स और आने वाले हैं। लास्ट बॉल
चलिए दोस्तों, तो फिलहाल यहाँ पे डबल रन के साथ ये मैच की पहली इनिंग समाप्त होते हुए। तो फिलहाल 10 ओवर की समाप्ति के बाद 93 रन 5 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर देखने को मिला है। और चले यहाँ पे पहली इनिंग समाप्त होती हुई, और टीम पहली इनिंग में बढ़िया यहाँ पर शुरुआत, बढ़िया रन्स देखने को मिले हैं। बाकी आगे देख लेते हैं आगे का। चले दोस्तों, तो कुछ इस तरह से रन्स बने हैं और कुछ इस तरह से गेम चला है। तो 93 रन 5 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर की समाप्ति के बाद आपको देखने को मिला है, जिसमें 14 एक्स्ट्रा रन भी देखने को मिले हैं। चलिए तो फिलहाल स्टीपल स्ट्राइकर्स ने काफ़ी बढ़िया यहाँ पर प्रदर्शन किया है, बढ़िया स्कोर खड़ा कर दिया है 10 ओवर में 93 रन। और बाकी आगे देखते हैं दूसरी टीम किस तरह से खेलते हुए नज़र आएगी और किस तरह से इस स्कोर को चेस कर पाएगी या नहीं, वो देखने वाली बात रहेगी। चलिए फिलहाल यहाँ पे 5 मिनट का ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। और जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों।
चले दोस्तों, तो फिलहाल मुकाबला यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो पहली दो बॉल में 5 रन देखने को मिले हैं, पहले ओवर की शुरुआत हुई है और पहले ओवर में 5 रन देखने को मिले हैं। पहली बॉल पर चौका इसे शुरुआत की थी टी कास्ट्रो ने और डी विलियम्सन अब सामना करेंगे। फिलहाल दो बॉलें खेल करके कास्ट्रो पहुंच चुके हैं 5 रन पर और डी विलियम्स पहली बॉल खेलने के लिए तैयार है। और पहली बॉल पर बढ़िया शॉट है, कोई भी फील्डर मौजूद नहीं है, चले फील्डर पीछे मौजूद है और फिलहाल सिंगल रन के साथ यहाँ पे स्ट्राइक रोटेट करते हुए तो विलियम्स भी अपना खाता खोल चुके हैं सिंगल के साथ। और फिलहाल पहले ओवर की 3 बॉल पर 6 रन देखने को मिले हैं और बढ़िया यहाँ पे शुरुआत ब्लू डेविल्स के द्वारा। VLD का यहाँ पे बढ़िया प्रदर्शन, शुरुआत अच्छी हुई है और पहले 3 बॉल में 6 रन देखने को मिले हैं। चलिए फिलहाल क्रेस्टो फिर से सामना करेंगे और क्रेस्टो इस बार बढ़िया शॉट है सिंगल के लिए और सिंगल आसानी से पूरा करते हुए और फिलहाल यहाँ पर 7 रन पहले ओवर की 4 बॉल पर। चलिए बाकी आगे आगे का मुकाबला देख लेते हैं, आगे का किस तरह से रहने वाला है, किस तरह से ये मुकाबला बिल्कुल दोस्तों चालू हो गया है। रोशन यादव हमारे साथ जुड़े हैं, विजय कुमार भी हमारे साथ जुड़े हैं, छोटू तोमर यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं, जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी लाइव स्ट्रीमिंग पर। और आप देख रहे हैं पहला T20 मुकाबला, पहला T10 मुकाबला ये चलता हुआ यूटिलिटी T10 ब्लास्ट का मुकाबला ये। और यहाँ पे बढ़िया शॉट, यहाँ पे बढ़िया शॉट चौके के साथ, तो इस बार विलियम्स के बल्ले से यह चौका निकलता हुआ। तो विलियम्स 2 बॉल पर 5 रन और वहाँ पे क्रेस्ट्रो 3 बॉल पर 6 रन बना करके खेल रहे हैं। यहाँ पे बढ़िया शुरुआत पहले ओवर की और पहले ओवर की फिलहाल 5 बॉल में 11 रन हो चुके हैं। चले ओवर की लास्ट बॉल देख लेते हैं, 11 रन आ चुके हैं अभी तक 5 बॉल में, 1 बॉल और बची है, 1 बॉल और होने वाली है और 1 बॉल में देख लेते हैं कितने रन और आते हैं, कितने रन बनते हैं पहले ओवर पर। तो दोस्तों जल्दी जल्दी से कमेंट करते रहिए और आपके कमेंट करने के लिए हम तैयार हैं, कमेंट्स भी बढ़ते जाएंगे, आपका नाम भी अनाउंस करते जाएंगे। चलिए यहाँ पर बढ़िया ओवर की शुरुआत, पहले ओवर से 12 रन देखने को मिले हैं। चलिए पहला ओवर समाप्त होता हुआ और पहले ओवर से 12 रन देखने को मिले हैं। ए फिलिप्स पहला ओवर लेकर के आए थे, काफ़ी महंगे साबित हुए हैं, 12 रन दिए हैं पहले ओवर में। और बाकी के देख लेते हैं यहाँ पे दूसरा ओवर कौन लेकर के आने वाले हैं, दूसरा ओवर किस तरह से होने वाला है। पहला ओवर काफ़ी अच्छी शुरुआत पहले ओवर से और बाकी दूसरे ओवर की देखने वाली बात रहेगी, दूसरा ओवर किस तरह से होने वाला है, किस तरह से दूसरा ओवर यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। फिलहाल यहाँ पर करंट रन रेट 12 का चलता हुआ और का रन रेट मात्र 9.11 का है। तो यहाँ पे अभी बढ़िया स्थिति में ब्लू डेविल्स और ब्लू डेविल्स इसी तरह से खेलती हुई नज़र आएगी तो 7 ओवर में ये मुकाबला जीत पाएगी और 7 ओवर में ये मुकाबला जीत सकती है। तो बाकी आगे देखने वाली बात रहेगी कि 7 चलिए गुली आए अपना ओवर लेकर के, पहला ओवर लेकर के आए हैं, स्पिनर बॉलिंग करेंगे या फास्ट बॉलिंग करेंगे देख लेते हैं। स्कोर कार्ड पीछे दिख रहा है, 1 मिनट चेक करने दो, बिल्कुल नहीं करेक्ट दिख रहा है क्योंकि 1 ओवर हुआ है और 1 ओवर में 12 रन हुए हैं और दूसरा ओवर अभी शुरू होगा और चलिए फिलहाल शुरू हो चुका है दूसरा ओवर। दूसरे ओवर की पहली बॉल गुली की और गुली की पहली बॉल टॉट निकलती हुई, तो दोस्तों वो 1 बॉल पीछे रहता है जो स्कोर है। और फिलहाल यहाँ पे दूसरी बॉल पर बढ़िया शॉट फील्डर के सर के ऊपर से और यहाँ पे बढ़िया शॉट, यहाँ पे कैच भी हो सकते थे लेकिन फील्डर के सर के ऊपर से निकल गई। तो फिलहाल 2 रन आते हुए इस ओवर से, इस दूसरी बॉल से,
तो 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन एक विकेट के बिना विकेट के नुकसान पर 1-2 पर। चलिए फिलहाल तीसरी बॉल पर सिंगल रन आता हुआ और सिंगल के साथ यहाँ पे स्ट्राइक बदलते हुए नजर आएंगे। विलियमसन 5-6 बॉल में 9 रन बना करके खेल रहे हैं, वहीं पे क्रेस्टो 3 बॉल में 6 रन बना करके खेल रहे हैं। बाकी आगे देखने वाली बात रहेगी आगे इस ओवर में किस तरह से देखने को मिलने वाला है। फिलहाल 3 बॉल में 3 रन आ चुके हैं इस ओवर से, तो करंट रन रेट इस टाइम हो चुकी है 10 की। बाकी 51 बॉल में 79 रनों की ज़रूरत है जो कि आसानी से बना सकती है और देखते हैं बना पाएगी या नहीं, वो देखने वाली बात रहेगी। चलिए यहाँ पे बड़ा शॉट लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है, सिंगल रन आएगा और सिंगल के साथ यहाँ पे स्ट्राइक रोटेट करते हुए, तो सिंगल के साथ यहाँ पे बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन 1 ओवर 4 बॉल पर। आसानी से ये मुकाबला जीतती हुई नज़र आ रही है ब्लू डेविल्स। कोई अगर यहाँ पे विकेट गिरते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे गेम को चेंज किया जा सकता है, लेकिन विकेट नहीं गिरेंगे तो ब्लू डेविल्स आसानी से ये मुकाबला जीत सकती है। चले यहाँ पे एक और बढ़िया शॉट और एक और बढ़िया बॉल और यहाँ पे बढ़िया शुरुआत ब्लू डेविल्स के द्वारा, और यहाँ पे कोटन बोल्ड होने का चांस था। कोटन बोल्ड बाल बाल बचे, बॉलर से यहाँ पे मिस हुआ। चले तो फिलहाल सिंगल के साथ यहाँ पे ओवर की समाप्ति, तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन बिना किसी नुकसान के। तो विलियम्स पहुँच चुके हैं 8 बॉल पर 10 रन, वहीं पे क्रेस्टो 4 बॉल में 7 रन बना करके खेल रहे हैं, बाकी 17 रन हो चुके हैं। चलिए तो देखते हैं तीसरा ओवर फिर से कौन लेकर के आने वाले हैं, वो देखने वाली बात रहेगी। इस ओवर ये बड़ा ओवर समाप्त होता हुआ 5 रन आए इस ओवर से मात्र। चलिए तो देख लेते हैं तीसरा ओवर कौन लेकर के आने वाले हैं, तीसरे ओवर की शुरुआत कौन करेंगे, कौन लेकर के आएंगे शुरुआत। हरीश आए हैं, तो हरीश अपना पहला ओवर लेकर के आए हैं। पहले ओवर पर पहली बॉल पर सिंगल रन आता हुआ और सिंगल के साथ यहां पे 18 रन देखने को मिल रहे हैं बिना किसी लॉस के। चलिए हरीश इस बार फिर से दूसरी बॉल यहां पे डॉट निकलती हुई, बढ़िया शॉट घुमाया लेकिन बॉल बैट पर आई नहीं और डॉट निकल गई। चले फिलहाल यहाँ पर तीसरी बॉल काम किस तरह से, हाँ तीसरी बॉल किस तरह से देखने को मिलेगी, तीसरी बॉल का यहाँ पर किस तरह से। क्रेस्टो सामना कर रहे हैं, क्रेस्टो ने बढ़िया शॉट लगाया है, पीछे एक और फील्डर मौजूद है, तो यहाँ पे 2 बढ़िया रन चुराते हुए 2 रनों के साथ यहाँ पे बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन बिना किसी लॉस के। 2 ओवर 3 बॉल पर फिलहाल 20 रन हो चुके हैं बिना किसी नुकसान के। क्रेस्टो भी पहुँच चुके हैं 6 बॉल पर 9 रन और वहीं पर विलियम्स पहुँच चुके हैं 9 बॉल पर 11 रन बना करके खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी आगे यहाँ पे देखने वाली बात रहेगी आगे का, और यहाँ पे एक और बढ़िया शॉट, एक और सिंगल आता हुआ और एक और सिंगल के साथ यहाँ पे बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन बिना किसी नुकसान के 2-4 पर।
तो दो बॉल और बची हैं इस ओवर की, दो बॉल और देखने को मिलने वाली हैं। चलिए तो एक और यहाँ पे सिंगल आता हुआ और इसी तरह से सिंगल सिंगल रन के साथ ये गेम आगे बढ़ता हुआ। फिलहाल हरीश के इस ओवर से 5 रन आए हैं, 4 बॉल 5 बॉल हो चुकी हैं, सिंगल बॉल और बची है। और थोड़ा सा यहाँ पे पहले ओवर पे अच्छी शुरुआत रही हुई लेकिन उसके बाद यहाँ पे थोड़ी स्कोरिंग में कमी आई है। और यहाँ पे अभी करंट रेट 60 के आसपास पहुँच चुका है। कोई फील्डर मौजूद रहेगा तो कैच भी हो सकता है, लेकिन फील्डर काफ़ी दूर था। और फिलहाल सिंगल के साथ यहाँ पे फिर से ओवर की समाप्ति। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन बिना किसी नुकसान के। अभी तक कोई एक्स्ट्रा रन नहीं आया, सिर्फ बेट से रन आए। विलियमसन 12 रन बना करके खेल रहे हैं, क्रेस्टो 11 रन बना करके खेल रहे हैं। तो फिलहाल 18 बॉल पर 23 रन देखने को मिले हैं अभी लाल। बाकी आगे देखने वाली बात रहेगी आगे का मुकाबला, 7 ओवर में कितना रन और आने वाले हैं, क्या मुकाबला ये जीत पाएगी ब्लू डेविल्स। स्टीवन स्ट्राइकर्स ने यहाँ पे बढ़िया वापसी की है। पहले ओवर में जरूर 12 रन दिए थे लेकिन उसके बाद 2 ओवर में 11 रन दिए हैं, तो यहाँ पे वापसी करती हुई नज़र आ रही है। बाकी यहाँ पे देखने वाली बात रहेगी। अभी रुकाए रन रेट 10 के आसपास पहुँच चुका है और करंट रन रेट 7 के आसपास आ चुका है, तो यहाँ पे काफ़ी बदलाव आ चुका है। 2 ओवर्स में 7.67 का करंट रन रेट चलता हुआ और 10.11 का यहाँ पे रुकाए रन रेट है। चलिए हरी महाराज आए हैं और यहाँ पे बढ़िया शुरुआत बॉलिंग की और बढ़िया यहाँ पे रनिंग बिटवीन द विकेट, दो रन चुराते हुए और 2 रन के साथ ये ओवर की शुरुआत हुई है। तो चौथे ओवर की शुरुआत 2 रन से हुई है और फिलहाल टीम के स्कोर की मैं बात करूँ तो 25 रन बिना किसी नुकसान के देखने को मिल रहा है। बाकी आगे चले एक और यहाँ पे बढ़िया बॉल और एक और सिंगल रन के साथ ये गेम आगे बढ़ेगा और सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन बिना किसी नुकसान के 3-2 पर। क्रेस्टो पहुंच चुके हैं 10 बॉल में 14 रन और वहीं पे विलियमसन 10 बॉल में 12 रन बना कर खेल रहे हैं, तो दोनों की पार्टनरशिप 26 रन की हो चुकी है और 20 बॉल में अभी भी 40 बॉल में 68 रन बनाने हैं और काफ़ी बड़ा स्कोर है। और यहां से बढ़िया शॉट्स खेलने पड़ेंगे और यहां पे बढ़िया बॉलिंग इस बार सीधे फील्डर के हाथों में, कोई रन नहीं तो ड्रॉट के साथ यहां पे गेम आगे बढ़ता हुआ। चलिए बढ़िया बेहतरीन मुकाबला क्रेस्टो को बिल्कुल आउट यहाँ पे अभी देखते हैं। क्रेस्टो सामने हैं और क्या यहाँ पे महाराजा आउट कर पाएंगे या नहीं, लेकिन यहाँ पे क्रेस्टो 6 रन लगाने में कामयाब हुए हैं। बढ़िया शॉट इस बार क्रेस्टो के बल्ले से निकलता हुआ। तो आउट की जगह पे उसने 6 रन लगा दिए हैं दोस्तों। फिलहाल क्रेस्टो पहुंच चुका है 20 रन पर, 11 बॉल का सामना किया है और बाकी इस ओवर की लास्ट बॉल बची है, तो लास्ट बॉल देखने वाली बात रहेगी। लास्ट बॉल किस तरह से महाराज करने वाले हैं और यहां पे क्रेस्टो का आउट करार दिया है दोस्तों, कैच आउट ले लिया है, कैच आउट कर दिया है। तो राहुल यादव की यहाँ पे मनोकामना पूरी होती हुई नज़र आ रही है। राहुल यादव क्रेस्टो का विकेट चाहते थे और यहाँ पे विकेट गिर चुका है क्रेस्टो का। क्रेस्टो 20 रन बना करके आउट होकर के पवेलियन लौटते हुए महाराजा को विकेट मिलता हुआ, पहला विकेट यहाँ पे ब्लू डेविल्स का गिरता हुआ। बढ़िया राहुल यादव जी, आपकी
मनोकामना पूरी हो चुकी है और क्रिस्टो को आउट करार दे दिया गया है कैच आउट के रूप में। और चलिए फिलहाल यहाँ पे आगे देख लेते हैं आगे का मुकाबला किस तरह से होने वाला है। फिलहाल 4 ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर बेहतरीन यहाँ पर प्रदर्शन चलता हुआ, बड़ा मुकाबला ये चलता हुआ और ज़बरदस्त मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। बाकी आगे देखने वाली बात रहेगी आगे का मुकाबला किस तरह से होने वाला है। तो 6 ओवर का गेम और देखने को मिलने वाला है, 6 ओवर में देखते हैं कितने रन और आने वाले हैं, क्या यह जीत दिला पाएंगे ये 6 ओवर या नहीं, देखने वाली बात रहेगी। 36 में 61 रन बनाने हैं, ये काफ़ी बड़ा ओवर था लेकिन उसके बाद विकेट गिरा है तो ये सफल ओवर कह सकते हैं हमें इसे, क्योंकि इस ओवर से 10 रन आए थे और एक लास्ट बॉल पर विकेट भी देखने को मिल गया था, तो इसलिए ये सफल ओवर भी रहा है फिलहाल स्टीफन की तरफ से। और फिलहाल ब्लू और डेविल्स देखते हैं किस तरह से खेलती है ये 6 ओवर, क्या ये 6 ओवर जीत दिला पाएंगे। अली आए हैं ए अली देखते हैं किस तरह से खेलते हुए नज़र आएंगे। राकेश महाराजा का ये सफल ओवर समाप्त तो होता हुआ और उसके बाद अब आने वाले हैं हरीश अपना दूसरा ओवर लेकर के आएंगे। पिछले ओवर में उन्होंने मात्र 6 रन दिए थे और बाकी अब दूसरा ओवर लेकर के आ रहे हैं। तो अदरीन अली आए हैं और अली देखते हैं किस तरह से खेलेंगे और फिलहाल यहाँ पे सामना करेंगे इस बार विलियम्स हरीश के ओवर की पहली बॉल का। और रिशाद हरीश और यहाँ पे बढ़िया शुरुआत विलियम्स के बल्ले से निकलता हुआ, शायद 2 रन या 1 रन लेंगे, चलिए 1 ही रन से संतोष होना पड़ेगा। और 1 ही रन के साथ यहाँ पे गेम आगे बढ़ता हुआ, फिलहाल टीम का स्कोर 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर 4-1 पर। तो 6 ओवर का गेम है यहाँ पे और 6 ओवर में अभी कितने रन्स बनाने हैं, 36 बॉल में 61। तो 35 बॉल में 60 रन बनाने हैं दोस्तों और ये 35 बॉल्स में किस तरह से 60 रन बनते हैं वो देखने वाली बात रहेगी। यहाँ पे बैटिंग अच्छी है ब्लू डेविल्स की, तो बाकी देखने वाली बात रहेगी अगर विलियम्स हम लास्ट तक खेलते हुए नज़र आएंगे तो ये मुकाबला ज़रूर जीत करके ले जाएंगे। बढ़िया बैट्समैन है और अच्छे अच्छे शॉट्स लगाते हुए मैंने देखा है, इससे पहले जो T20 मुकाबला हो रहा था उसमें ये अच्छी बैटिंग करते हुए नज़र आ रहे थे। चलिए फिलहाल आज का मुकाबला देखते हैं किस तरह से खेलते हुए नज़र आएंगे। अली अब सामना करेंगे, पहली बॉल का सामना करेंगे अली और हरीश अपने ओवर की 3री बॉल लेकर के आ रहे हैं। चलिए 3री बॉल देख लेते हैं और अली किस तरह से खेलते हैं। चले अली ने बढ़िया यहाँ पर शुरुआत तो बढ़िया अपना खाता खोलते हुए सिंगल के साथ और सिंगल के साथ यहाँ पे बढ़ता हुआ स्कोर और दोस्तों 2 रन ले लिए हैं मुझे लग रहा है। चलिए विलियम्सन ने 2 रन लिए हैं, अली अपना 1 रन लेकर के स्ट्राइक रोटेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसके बाद विलियम्सन ने 2 रन निकाले हैं। तो चलिए फिलहाल टीम का स्कोर यहाँ पे 37 रन 1 विकेट के नुकसान पर 4-2 पर। चलिए यहाँ पे विलियम्सन बाल बाल बचे हैं, यहाँ पे कैच थोड़ा सा मिस हुआ है और कैच भी हो सकता था लेकिन यहाँ पे 2 रन चुराने में कामयाब हुए हैं विलियम्सन। एक फील्डर पीछे भाग रहे थे लेकिन काफ़ी दूर थी बॉल तो कैच लेने में नाकामयाब रहे, कैच नहीं ले पाए थे। चलिए बाकी आगे देख लेते हैं ये मुकाबला किस तरह से देखने को मिलने वाला है। फिलहाल 2 बॉल बची हैं इस ओवर की और 5वीं बॉल और इस बार 5वीं बॉल डॉट निकलती हुई, डॉट के साथ यहाँ पे गेम आगे बढ़ता हुआ, बाकी आगे देखने वाली बात रहेगी। लास्ट बॉल देख लेते हैं इस ओवर की, 6 रन आ चुके हैं अभी तक, लास्ट बॉल और बची है, लास्ट बॉल में देखते हैं कितने रन और आने वाला है, क्या यहाँ पे बड़ा शॉट के लिए जाएंगे विलियम्स।
विलियम्स बैल 15 बॉल में 17 रन बना करके खेल रहे हैं। शुरुआत चौके से की थी लेकिन उसके बाद काफ़ी धीमी गति से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो फिलहाल डॉट के साथ यहाँ पे ओवर की समाप्ति, तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन 1 विकेट के नुकसान पर फिलहाल टीम का स्कोर देखने को मिल रहा है। बाकी आगे देखते हैं आगे का मुकाबला। 5 ओवर का मुकाबला बचा है, 5 ओवर में यहाँ पे 55 रन बनाने हैं, यानी 30 बॉल 55 रन। बात रहेगी, चलिए
उसके लिए दोस्तों। तो फिलहाल यहाँ पे 7 ओवर 1 बॉल में 62 रन 2 विकेट के नुकसान पर देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे विलियमसन का विकेट गिरता हुआ, लोरेंट को पहला, गुली को पहला विकेट मिलता हुआ। गुली अपना दूसरा ओवर लेकर के आए थे, पहला बढ़िया ओवर निकला था और 5 रन दिए थे। और यहाँ पे बढ़िया इस बार देखने को मिल रहा है और यहाँ पे वोल्ड आउट कर दिया है दोस्तों विलियमसन को। तो विलियमसन यहाँ पे पवेलियन लौटते हुए नज़र आ रहे हैं और फिलहाल उनकी जगह लेने के लिए आ रहे हैं निकोलसन। देखते हैं किस तरह से खेलेंगे। और फिलहाल यहाँ 66 पर 2 विकेट हो चुकी है, 7 की 1 पर। और यहाँ पे अब टारगेट ज़्यादा दूर नहीं है, 17 बॉल में 28 रन बनाने हैं, आसानी से जीत सकती है मुकाबला। तो बाकी देखने वाली बात रहेगी 17 बॉल 28 रन। स्टीवन प्लेयर्स देखते हैं किस तरह से ये मुकाबला बचा पाते हैं या नहीं। प्लस 17 बॉल बची हैं और यहाँ पे एक और बढ़िया बॉल है, एक और सिंगल रन आता हुआ और सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 67 रन 2 विकेट के नुकसान पर 7 की 2 पर। तो 16 बॉल 27 रन। चलिए दोस्तों, तो एक और सिंगल रन आता हुआ, फिलहाल यहाँ पे 68 रन हो चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर 7 की 4 पर। तो दोस्तों एक ये बढ़िया ओवर चलता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस ओवर से अभी तक 2 रन आए हैं, 4 बॉल हो चुकी हैं, मात्र 2 बॉल और बची हैं। 2 बॉल बात रहेगी दोस्तों। और यहाँ पे बढ़िया शॉट, पीछे फील्डर मौजूद है लेकिन रोक नहीं पाएंगे, मिलेगा चौका, जबरदस्त शॉट। आखिरकार यहाँ पे 5वीं बॉल पर चौका देखने को मिला है। फिलहाल 72 रन 2 विकेट के नुकसान पर 7 की 5 पर। तो दोस्तों ये बढ़िया ओवर चल रहा था लेकिन यहाँ पे 5वीं बॉल पर चौका देखने को मिला है। बाकी आगे देख लेते हैं लास्ट बॉल पर, और लास्ट बॉल पर फिर से एक और बढ़िया शॉट है, इस बार भी फिर फील्डिंग और इस बार भी मिलेगा चौका। तो 2 लगातार चौके यहाँ पे मिलते हुए, तो इसी चौके की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 76 रन 2 विकेट के नुकसान पर फिलहाल 8 ओवर की समाप्ति के बाद। तो 76 रन हो चुके हैं और फिलहाल 12 बॉल में 18 रनों की ज़रूरत है दोस्तों, सिर्फ 18 रन, 12 बॉल 18 रन। निकोलसन भी बढ़िया यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए 4 बॉल में 9 रन बनाकर अभी भी लास्ट की 2 बॉलों में गोली की ओवर कीपर
और फिलहाल गुली का ओवर यह समाप्त होता हुआ और इस ओवर से 10 रन आए लेकिन एक विकेट जरूर निकला है। लेकिन यहाँ पर दो बॉल ओवर बड़े महत्वपूर्ण ओवर हैं और ये दो ओवर में कौन सी टीम जीतने वाली है, कौन सा ये मुकाबला जीतने वाली है, ये 12 बॉल है डिसाइड करेंगी और फिलहाल इसी ओवर में डिसाइड हो जाएगा कि कौन सी टीम ये मुकाबला जीत रही है। तो इसी ओवर से थोड़ा सा डिसाइड हो जाएगा, अगर अच्छे रन्स बना लेती है टीम BLD तो यहाँ पे आसानी से ये मुकाबला जीत पाएगी, लेकिन रन्स नहीं बना पाएगी तो यहाँ पे मुश्किल हो सकती है। बाकी यहाँ पे देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल आप दोस्तों, ये ओवर फिलिप्स का ओवर है और ये ओवर डिसाइड करेगा कि ये ओवर किधर जाने वाला है, मैच किधर नहीं जाने वाला है। तो इस ओवर से डिसाइड होगा। फिलिप्स अपने ओवर की पहली बॉल लेकर के आए हैं। चलिए दोस्तों, सामने रहेंगे अली और यहाँ पे बढ़िया शुरुआत और पहली बॉल पर डॉट देखने को मिला है। डॉट से शुरुआत हुई है और ये डॉट बॉल के साथ गेम आगे बढ़ता हुआ। तो दोस्तों 11 बॉल 18 रन। चलिए बाकी यहाँ पे देख लेते हैं 11 बॉल का मुकाबला कि 11 बॉल का ये टक्कर वक्का मुकाबला जो कि होने वाला है और यहाँ से कोई अभी कह नहीं सकते कि कौन सी टीम जीतने वाली है, ब्लू या स्ट्राइकर्स, डेविल्स वर्सेस स्ट्राइकर के बीच ये पहला T20 मुकाबला चलता हुआ और फिलहाल यहाँ पे 17 रनों की ज़रूरत है, 18 रनों की ज़रूरत है। 11 बॉल का गेम बचा है, 11 बॉल्स और होने वाली हैं और यहाँ पर रिवर्स में मारना चाहते थे। एक और डॉट बॉल, एक और बढ़िया बॉल, एक और मिस करते हुए बॉल, रिवर्स में मारना चाहते थे, बड़ा शॉट मारना चाहते थे लेकिन मिस हुए और यहाँ पे एक और डॉट बॉल निकलती हुई। तो दोस्तों ये मुकाबला अब रोमांचक होने वाला है और यहाँ पे टक्कर का मुकाबला होने वाला है। अब कोई भी टीम यहाँ पे ये मुकाबला जीत सकती है, अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि 10 बॉल 18 रन, वैसे तो एक एक ओवर में 18 रन बनते हैं लेकिन अभी यहाँ पे जिस तरह से सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से अभी कुछ कह नहीं सकते। जो कि क्रीज पर अच्छी बैटिंग कर रहे हैं वो भी मिस हो रहे हैं और वो भी दो डॉट बॉले खेल चुके हैं और यहाँ पे एक और बढ़िया शॉट है और यहाँ पे पीछे फील्डर मौजूद है, क्या रोकने में कामयाब हो पाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे चौका मिलेगा, चौका मिलेगा दोस्तों और चौके के साथ यहाँ पे बढ़ता हुआ स्कोर 80 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो दोस्तों अब मात्र 14 रनों की ज़रूरत है, 9 बॉल 14 रन। चलिए बढ़िया है, यहाँ पे प्रदर्शन चलता हुआ 29 रन पर पहुँच चुके हैं हसन अली और 14 बॉल का सामना किया है। अली फिर से तैयार है और ओवर की तीसरी बॉल लेकर के आएंगे फिलिप्स और इस बार फिर से बड़ा शॉट मारना चाहते थे यहाँ पे और मिस हुए और यहाँ पे विकेट आउट, सीधे विकेट कीपर के हाथों में और यहाँ पे तीसरा झटका लगता हुआ। चलिए तो यहाँ पे तीसरा विकेट गिरता हुआ फिलहाल ब्लू डेविल्स का, और रामदयाल आए हैं और रामदयाल देखते हैं किस तरह से खेलते हैं। इस ओवर की 4 बॉल हो चुकी हैं, 2 बॉल बची है, एक चौका जरूर लगा है लेकिन 3 डॉट बॉलें भी देखने को मिली हैं दोस्तों, 3 डॉट बॉलें हैं वो देखने वाली बात रहेगी। और यहाँ पे रामदीन अभी अभी नए क्रीज पर आए हैं, रामदयाल अभी अभी क्रीज पर नए नए आए हैं और देखते हैं किस तरह से खेलेंगे वो देखने वाली बात रहेगी। तो मात्र 8 ओवर बॉल्स का गेम बचा है, 14 रन्स बनाने हैं 8 बॉल्स में, तो ये 2 ओवर डिसाइड करेगा। अभी भी 2 बॉल है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है और वो देखने वाली बात रहेगी, 2 किस तरह से होने वाले हैं किस तरह से नहीं होने वाले हैं वो देखने वाली बात रहेगी। चलिए मुकाबला बड़ा मुकाबला, ज़बरदस्त मुकाबला चलता हुआ
और फिलहाल यहाँ पे 8 बॉल 14 रन किस तरह से बनाते हैं और देखने वाली बात रहेगी। रामदयाल ने बढ़िया शॉट खेला है और लेकिन यहाँ पे एक और वन बाउंस डॉट, एक और डॉट निकलती हुई। चले फिलहाल ओवर की लास्ट बॉल बची है। ओहो, नो बॉल दे दी है दोस्तों, नो बॉल। तो मुझे लगता है क्रीज से पैर बाहर निकला था, नो बॉल और फ्री हिट भी रहेगी। तो ये बॉल काफी खतरनाक बॉल, डॉट, एक रन भी एक्स्ट्रा मिला और एक फ्री हिट भी मिली। तो वो देखने वाली बात रहेगी, एक एक्स्ट्रा बॉल भी मिली है तो वो। और इस बार बढ़िया शॉट है, सीविचे फील्डर मौजूद है, एक ही रन मिलेगा और एक रन के साथ यहाँ पे टीम का बढ़ता हुआ स्कोर। एक रन लिया है या नहीं ये देखने वाली बात रहेगी, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे रन लिया है, नहीं लिया है दोस्तों। दो डॉट निकालने में कामयाब हुआ है, फ्री हिट भी डॉट निकली है दोस्तों। तो यहाँ से अब क्या ही कहना है, तो 7 बॉलें अभी बची हैं, 7 बॉल में 13 रन बनाने हैं। तो वो 13 रन किस तरह से होने वाले हैं वो देखने वाली बात रहेगी। और यहाँ पे बढ़िया शॉट है, नीचे फील्डर मौजूद है, क्या कैच लेने में कामयाब हो पाएंगे, और बिल्कुल यहाँ पे कैच ले लिया है दोस्तों। रामदयाल जाएंगे बिना खाता खोले हुए पवेलियन। तो जी फिलिप्स को यहाँ पे दूसरा विकेट मिलता हुआ और इसी विकेट के साथ ओवर की समाप्ति। तो 9 ओवर की समाप्ति के बाद 81 रन 3 विकेट के नुकसान पर फिलहाल टीम का स्कोर देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे 6 बॉल में 13 रन बनाने हैं, तो ये अब 13 रन किस तरह से होने वाले हैं वो देखने वाली बात रहेगी दोस्तों। काफ़ी बड़ा मुकाबला ये हो सकता है, ये लास्ट ओवर पर आ चुका है, लास्ट बॉल पर भी जा सकता है, तो वो देखने वाली बात रहेगी। तो चलिए आगे निकोलसन सामने रहेगा या ये अमृत, तो वो देखने वाली बात रहेगी कौन रहेंगे स्ट्राइक पर। तो मुझे लग रहा है निकोलसन रहेंगे, निकोलसन, क्योंकि इमरान खान को देखता हूँ क्यों नहीं ओवर किया है और क्यों उसको ओवर नहीं दिया है। चलिए दोस्तों, तो इमरान खान को ओवर दे दिया गया है, लास्ट ओवर लेकर के आए हैं इमरान खान, तो इमरान खान को लास्ट ओवर दिया गया है। चलिए इमरान खान लास्ट ओवर लेकर के आए हैं, अच्छे बॉलर हैं लेकिन उसको लास्ट में लाने का क्या मतलब है, लास्ट में क्यों लाए हैं ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल ये मुकाबला इसी ओवर में डिसाइड होगा। चलिए पहली बॉल, और यहाँ पे पहली बॉल पर बढ़िया शॉट है, बड़ा शॉट है, नीचे फील्डर मौजूद है और कैच आउट लेने में आसानी से ले सकते हैं लेकिन कैच ड्रॉप कर दिया है दोस्तों। ये एक और बड़ा झटका हो सकता था लेकिन यहाँ पे कैच ड्रॉप कर दिया है, आसान कैच को भी ये ड्रॉप कर दिया है दोस्तों। लेकिन दो वहाँ पे विकेट भी हो सकती थी और 2 रन भी आ गए, तो यहाँ पे बड़ा डबल झटका लगता हुआ। फिलहाल चलिए फिलहाल ओवर की तीसरी बॉल लेकर के आएंगे, तीसरी बॉल फिर से एक और बढ़िया शॉट है और यहाँ पे सिंगल रन, दूसरा भाग लेंगे, दूसरा रन ले लिया है, दूसरा रन भी चुरा लिया है आसानी से दूसरा रन लेते हुए दोस्तों। और ये मुश्किल हो चुकी है, अब नहीं लगता है मुझे कि यहाँ पे स्ट्राइकर जीत पाएगी ये मुकाबला, क्योंकि मिस फील्ड का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि तुम 2 मिस फील्ड कर चुके हैं, एक तो विकेट खो दिया और इस बार। और चलिए यहाँ पे एक और बड़ा झटका लगता हुआ, एक और वाइट बॉल आती हुई, एक और एक्स्ट्रा रन आता हुआ, तो 5 रन आ चुके हैं 2 बॉल में, 4 बॉल बची हैं, 4 बॉल में 8 रन बनाने हैं, तो वो 8 रन बना पाती है नहीं देखने वाली बात रहेगी दोस्तों।
चलिए तो देख लेते हैं आठ। चलिए दोस्तों यहाँ पे एक और बढ़िया बॉल यहाँ पर डॉट निकलती हुई, लेकिन इस बार बड़ा शॉट लगाने में कामयाब हुए हैं, बड़ा शॉट 6 रन के लिए। तो चौथी बॉल पर यहाँ पर 6 रन आता हुआ। काफ़ी बड़ा शॉट ये 6 रन के लिए। और अब यहाँ पे 2 बॉल 2 रन जो कि आसानी से बना सकती है ब्लू डेविल्स। निकोलसन का बढ़िया यहाँ पे शॉट 6 रन के लिए। और चलिए 2 बॉल में क्या होने वाला है क्या नहीं देखने वाली बात रहेगी। और यहाँ पे ये मुकाबला जीत लिया है दोस्तों सिंगल, और ये दूसरे के लिए भाग लिए हैं और यहाँ पे दूसरा भी ले लिया मिसफील्ड फिर से विकेट कीपर से। इस बार मिसफील्ड और यहाँ पे रन आउट भी हो सकते थे, रन आउट का चांस था और मिसफील्ड हुआ विकेट कीपर से। और ये मुकाबला ब्लू डेविल्स ने जीत लिया है 6 विकेट से। वो 6 रन और उसके बाद मिसफील्ड और 2 रन, तो उन्होंने 1 बॉल पहले ही ये मुकाबला जीत लिया है। चले दोस्तों तो यहाँ पे बढ़िया ये मुकाबला टक्कर का मुकाबला जो आपको देखने को मिला है। ब्लू डेविल्स ने ये मुकाबला 6 विकेट से जीत लिया है 1 बॉल के रहते हुए। तो दोस्तों कुछ इस तरह से ये मुकाबला रहा है, कुछ इस तरह से रन्स बने हैं। सभी बैट्समैन ने यहाँ पर रन बनाए हैं, सिर्फ रामदयाल ने रन नहीं बनाए हैं जो कि वो 0 पे आउट हुए थे। और बाकी अरमक्यूत को तो बॉल खेलने को मिली ही नहीं है, तो उनका ही क्या कहना है। तो चारों बैट्समैनों ने यहाँ पर रन बनाए हैं और चारों बैट्समैनों के बदौलत ये मुकाबला जीत लिया है ब्लू डेविल्स ने। चलिए तो यहाँ पे पहला T20 मुकाबला ब्लू डेविल्स के नाम, और ब्लू डेविल्स ने बढ़िया यहाँ पे जीत दर्ज की है। 6 विकेट से ये मुकाबला जीता है, तो 6 विकेट से ये जीत दर्ज की है। चलिए तो दोस्तों मिलते हैं फिर कल के मुकाबले में। अभी दूसरा मुकाबला होने वाला है लेकिन उसको हम नहीं करेंगे क्योंकि नींद आने लगती है और कमेंट्री पूरे ओवर में हो नहीं पाती है तो काफ़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए हम 12 बजे का मुकाबला नहीं करेंगे दोस्तों। तो हम कल के मुकाबले में मिलेंगे। चलिए ज़्यादा कहते 3000 रुपये जीत चुके हैं और 50 रुपये दीपेश पटेल भी जीते हैं, तो बढ़िया यहाँ पे मैच का समापन। तो दोस्तों कल 9 बजे के मुकाबले में फिर से आपसे मुलाकात होगी, और चलिए तब तक के लिए थैंक यू एंड टाटा एंड बाय बाय। तो जरूर जो भी हैं हमारे साथ जुड़े हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं।